हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप लोग की दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। और ये इससे एक दिन पहले की रात की वीडियो है, तो कल सारा दिन मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं मतलब वीडियो एडिट करके तो अपलोड कर दूँ। तो ये मैं बच्चों को ना मेहंदी लगा रही थी, तो बच्चियाँ छोटी बच्चियाँ उनको शौक़ होता है मेहंदी लगाने का, और यही तो दिन त्योहारों पे ही तो मौका आता है, या किसी की शादी हो किसी अजीज़ की, या कोई हमारा ऐसे कोई त्यौहार हो, तो फिर बच्चियों को होता है कि हमें मेहंदी लगाई जाए। तो मैंने फिर अपनी दोनों बेटियों को लगा दी थी मेहंदी, जैसी भी मुझे आती है। चलो मैंने कहा मेरे बच्चे मुँह तो ना देखे, और मुझे बहुत फील होता है जब कोई इनकी चीज़ रह जाए या ये बोले कि मम्मा ये आपने ये नहीं हमें मेहंदी नहीं लगाई, चूड़ियाँ नहीं बनाई। चूड़ियों का तो नहीं मेरी बच्चियों को शौक़, पर मेहंदी तो उन्होंने स्पेशली अपने पापा को बोला था कि मेहंदी हमें ला के दें। तो ये इनके पापा ने मेहंदी लाई थी, पापा ने नहीं, हम लोग मार्केट गए थे तो वो मेहंदी लेके आए थे, तो फिर मैंने इनको लगा दी और धो दी फ़ौरन, 5-10 मिनट में धो दी थी, और इतना अच्छा कलर आया। तो फिर इनके पापा इनको नेल पेंट लगा रहे थे, तो बस यही था कि सुबह टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि चर्च जाना है, तो टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए सोनू फिर अभी अपने पापा से ये लोग नेल पेंट लगवा रही थी और मैं वीडियो बना रही थी। और ये देखिए अभी एंजल की मेहंदी बाय बाय कर रही है। तो ये अभी मॉर्निंग का टाइम है, और ये हमारे ना मतलब एरिया में चर्च वाले जो है वो सुबह के टाइम ना वो निकालते हैं कह रहे हैं। और ये फिर उसके बाद उठ गए थे, और फिर मैंने सेवैयाँ मंगा ली थी और ब्रेड मंगा ली थी नाश्ते के लिए, क्योंकि अभी ना टाइम नहीं था, चर्च के लिए लेट हो रहा था। तो ये चाय भी मेरी तैयार हो गई है, तो अभी मैं साथ ही ना सेवैयाँ बना लूँगी। रात को भी बहुत थक गई थी क्योंकि मार्केट गई थी, फिर आके बच्चों को मेहंदी वेहंदी लगाई, कपड़े आयन किए, तो इस वजह से फिर अभी ना थोड़ी सी मैं सेवैयाँ बना लूँगी सेवैयाँ, क्योंकि ईद पे तो आपको पता है कि मीठा ज़रूर होता है। तो अच्छी काफ़ी अच्छी हमें सेवैयाँ बनी थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मा लोग के लिए भी लेके गई थी, और मेरी बहनें कहते हैं सेवैयाँ बहुत टेस्टी बनी हैं। तो फिर बस सेवैयाँ वगैरह बना दी थी मैं, फिर उसके बाद बच्चों को शावर करवा दूँगी और फिर इनको तैयार रेडी कर दूँगी, फिर खुद भी रेडी हो जाऊँगी, फिर हम लोग चर्च जाएँगे। फ्रेंड्स, मेरे पास ना ब्लीच पड़ी हुई थी और मुझे याद ही नहीं था, तो मैंने ड्रॉर खोला तो उसमें मेरी ब्लीच पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो पहले तो कुछ नहीं किया तो ब्लीच कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप लोग की दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज है हमारी ईद, आज है हमारा ईस्टर,
तो मुझे याद है पिछले ईस्टर पे भी मैं यहाँ खड़ी होके तो व्लॉग स्टार्ट किया था, तो आज भी चर्च से हो आया, काम वाम डन हो गया, सेवइयां बना के खा लिया, अब जा रही हूँ मामा लोग के घर और उनके लिए भी लेके जा रही हूँ मैं सेवइयां। तो बस अभी मैंने बाल इसलिए बांध लिए क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा उड़ेंगे बाइक पे, तो इसलिए मैंने बांध लिया, वहाँ जाके फिर सही अपने बाल बना लूँगी। और बच्चों को भी ना अभी बाइक पे इनके बाल वाल उड़ने हैं, तो इसलिए मैंने इनको बना रही दोबारा से इनके बाल वहाँ जाके, तो फिर इनके बाल बनाऊँगी। तो चले चलते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं।